पूरी रात बारिश होती रही, अभी भी बारिश हो रही है और शायद आगे भी होती रहेगी। गुड मॉर्निंग गाइस, दिस रजा एंड यू वाचिंग माय चैनल अनजाना मुसाफिर। एंड गाइस, टाइम इज 8:30 इन द मॉर्निंग एंड टुडे इज सैटरडे। बारिश का क्या है, होने दो। कौन सा बाहर जाना है, कौन सा घूमना फिरना है, सब तो बंद है, घर में ही पैक है, तो बारिश होने दो, बारिश का मजा घर में लेते रहो। कुछ दिन पहले हमें लग गई थी चोट, यहाँ पर देखो थोड़ा सा घाव है, अभी सूख गया है। इस हाथ में भी लगी थी और इस हाथ में भी लगी थी, तो हम ये देख रहे थे कि इंटरनल चोट जल्दी ठीक होती है कि एक्सटर्नल चोट जल्दी ठीक होती है। इस वाली चोट में दर्द बिल्कुल कम हो गया है, मतलब 2-3% दर्द होगा, लेकिन ये जो इंटरनल वाली जो चोट थी ना, इसमें दर्द अभी भी है और उंगली ठीक से मोड़ नहीं पा रही है। तो इसका मतलब ये है कि बाहरी जो चोट होती है वो काफ़ी जल्दी ठीक हो जाती है अंदर वाली चोट के मुकाबले। अभी बज रहा है 4:45 शाम के और हम अभी बालकनी में बैठे हैं। आपने देखा कि मेरे पास यहाँ पे एक मैंडोलिन है, ये थोड़ा सा टूटा हुआ है और इसकी स्ट्रिंग भी टूटी हुई है। इसके साथ कहानी ये हुई है कि इसको हमने मंगवाया था मुंबई से, हमने सारा सामान मंगवाया था मुंबई से, जो मेरा रूम था मुंबई का उसको हमने खाली करा के सारा सामान पैकर्स एंड मूवर्स वालों को बोला, तो उन्होंने वहाँ से डायरेक्ट मेरे घर सारा सामान भेज दिया, जितना भी रूम का था, तो इसको भी भेज दिया। तो इसमें मेरा दो नुकसान हुआ, हालांकि ये टूट गया लेकिन सही सलामत आ गया, इसको हम जोड़ सकते हैं, यहाँ पर फेविकॉल लगा के जोड़ सकते हैं, और तीन स्ट्रिंग भी टूट चुकी है, तीन बची है। आपने देखा था कल हमने अपने चैनल पर इससे कुछ म्यूज़िक बनाने की कोशिश की थी। इसको मगर अच्छे से जोड़ लेंगे तो अच्छे से म्यूज़िक बना सकेंगे शायद। एक खबर और है कि मेरे जो चैनल है उस पर 2000 सब्सक्राइबर पूरे हो गए। अच्छी बात है, खुश होने की बात है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आई डोंट नो हाउ टू सेलिब्रेट थिंग, क्योंकि खुशी मनाना हमको आता नहीं है। ये 2000 सब्सक्राइबर, ओ माय गॉड, जितने लोगों ने भी सब्सक्राइब किया थैंक यू सो मच, और उम्मीद है कि इस तरह और बढ़ता रहे तो हमारा चैनल भी ग्रो करेगा। और हम अभी फ़िलहाल लॉकडाउन के ख़त्म होने का इंतज़ार कर रहे हैं कि जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म होगा तो हमको जाना है एक ट्रिप पर, तो काफ़ी टाइम है अभी उसमें, लेकिन उम्मीद करेंगे कि आगे भी हम इसी तरह की वीडियो बनाते रहें और अच्छा कंटेंट लाते रहें, कुछ सोच सोच के, समझ समझ के अच्छी चीज़ें सबके साथ शेयर करते रहें और सिलसिला ऐसा आगे बढ़ता ही रहे। जब तक हैं घर में ही वीडियो बनाएंगे। जैसा कि पता है कल रात से ही यूपी में, यानी कि मेरी जगह पर लॉकडाउन शुरू हो गया है 50 घंटे वाला। और एक बार फिर से सबको थैंक यू सो मच मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, वीडियोस देखने के लिए। और मौसम देखो कैसा चेंज होता है, सुबह में बारिश हो रही थी, आसमान बिल्कुल काला था और अभी बिल्कुल नीला हो गया है, क्या खूबसूरत मौसम हो गया है। हमारी ज़िंदगी में एक सिचुएशन होती है कि जैसे हम जब बड़े हो जाते हैं और हम अपनी छोटी छोटी चीज़ों को नोटिस करने लगते हैं अपने बॉडी में, अपने चेहरे पर, अपने हाथ में, कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हमें लगता है शीशे में देखते हुए कि हमारी एक आँख छोटी है, एक आँख बड़ी है, इधर कम आईब्रो है, इधर ज़्यादा आईब्रो है। क्या ये बचपन से ही होता है या बड़े होकर होता है, या फिर हम बचपन में इसको नोटिस नहीं करते हैं और बड़े जब होते हैं, समझदार होते हैं, तो उसको नोटिस करते हैं। कि आपके साथ भी ऐसा होता है तो हमें ज़रूर बताना, क्योंकि हमको लगता है कि मेरे साथ भी ऐसा होता है तो और भी किसी के साथ ऐसा होता होगा। अगर ऐसा कुछ है तो कमेंट बॉक्स में लिख दो, अगर नहीं भी लिखना है तो एक बार अपने बारे में सोच कर देखना क्या ऐसा भी आपके साथ होता है।